हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार। आज मैं आपको सॉलिड ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अगर आप अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाके बेसिक से इंट्रोडक्शन से लेके जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप लोग मैथमेटिक्स को देख लें, क्योंकि हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे और हर वीडियो में एक से दो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए हर वीडियो को अच्छे से देखें और हर वीडियो में मैं कुछ HW देता हूं आप लोगों को और उस HW को कंप्लीट करके आप लोग दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, आंसर देते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई देता हूँ। अगर उनके आंसर सही रहते, गलत रहते हैं तो उनके मैं रिप्लाई में आंसर बताता हूँ कि ये गलत है, उसको फिर से वो ट्राई करते हैं बनाने के लिए और आखिरकार वो सही कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों अब बोलते हैं कि सर आपने बना के क्यों नहीं दिया टेलीग्राम चैनल पे, तो बच्चों देखिए मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों ने, ठीक है, मैं जो बच्चों दिन भर जो वर्क करता हूँ उसमें से अगर आप लोगों ने रिप्लाई कमेंट देता तो बच्चों मैं उसका रिप्लाई करता हूँ जो समय मिलता है। और जिनका आंसर गलत रहता है उनको मैं आंसर, बच्चों अगर एक सही है तो एक सही बताता हूँ, दो सही है दो सही, या तीसरा जिसका आंसर गलत रहता है उसका गलत आंसर लिख के भेजता हूँ और वो बच्चे फिर से ट्राई करते हैं, फिर से बनाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कल का क्वेश्चन बच्चों समझाने में ज़्यादा समय लगा, एक दो बच्चे थे कॉमेंट कर सर इतना ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे। बच्चों को बिल्कुल आसान क्वेश्चन था उस टाइप का, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था इसलिए ज्यादा समय लगा। अगर आप एक से दो बार तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा, किसी को बताना नहीं रहेगा, वहां एक दो स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बच्चों अब देखिए जैसा कि हो गया, आज वीडियो मैंने नेक्स्ट डाल दिया तो इसका सॉल्यूशन जो है कि बच्चों पिछले दो वीडियो का सॉल्यूशन करके मैं आपको जो ही समय मिलता है मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आपको WhatsApp के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है कि इसका PDF वहां पे डाल दिया हूं। लेकिन PDF पे ज़्यादा भरोसा नहीं करके बच्चों आप वीडियो पे ज़्यादा भरोसा करें, वीडियो को देखें अच्छे से, क्योंकि PDF में उतना समझ में नहीं आएगी तो चूंकि उसमें से बना हुआ रहेगा और यहाँ पे मैं बच्चों बिल्कुल आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और WhatsApp और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से उसका चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से जल्द से उसको ओपन करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए और लाभ उठाइए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दिया हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री का। अब देखो यहां से लिखा हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब कहता है कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, इसको फाइंड करना, ये भी क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है और मैं इसमें आपको जो बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और दो से तीन मैं HW आपको दे दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कि बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए मानिए एक ये लाइन दिया हुआ है, एक मानिए ये लाइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ ना कुछ एंगल बन गया, मानिए इसको थीटा मानते हैं, कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं, इसका नाम सी रखते हैं और इस पॉइंट का नाम डी रखते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म दिया हो रहा था, तीन चीज दिया हो रहा था, तीन पॉइंट दिया हो रहा था। इसको मानते बच्चों X1 Y1 और इसका इस पॉइंट का नाम Z1 देते हैं, इसका बी का क्या दीजिएगा X2 Y2 Z2। उसी तरीके से सी पॉइंट का नाम दीजिए X3 Y3 और Z3। डीका 4 दीजिएगा X4 Y4 और क्या दीजिएगा Z4। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, मानिए कि चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह देगा फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। ठीक है, तो ये अगर बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला को याद रखना, एक फॉर्मूला होता है cos θ = ठीक है, cos θ = यहाँ से लिखिएगा वेक्टर ऑफ AB डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ BC ने तो CD, क्योंकि AB और CD के बीच में एंगल निकालना, क्या लिखेगा CD अपॉन यहाँ से हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोड वेक्टर CD। ये चीज आपको निकालना है बस। अब कहोगे सर AB कैसे फाइंड करेंगे, CD कैसे फाइंड करेंगे, डेट इज बच्चों AB निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से आप लोग समझ लो AB जो हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा, AB इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये जो है कि AB पोजीशन वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर होंगे तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए
इसमें जो पॉइंट लास्ट में रहता है उसको पहले लिखना है। पोजीशन फैक्टर ऑफ क्या लिखोगे बच्चों, बी माइनस उसके बाद क्या लिखोगे, पोजीशन फैक्टर ऑफ ए, ए भी निकल गया। उसी तरीके से अगर अब सी डी निकालना हो तो किस तरीके से निकालिएगा, तो देखिए तो सी डी निकालने के लिए सी डी फैक्टर फाइंड कर मैंने क्या बताया, जो लास्ट में पॉइंट है उसको पहले लिखना है, यानी कि पोजीशन फैक्टर ऑफ डी माइनस क्या हो जाएगा, पोजीशन फैक्टर ऑफ सी। यहां तक तो बच्चों हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा आप लोगों को निकालने में, ठीक है। जब देखिए ए बी निकल गया, सी डी निकल गया, ठीक है। तो अब हमको ए बी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये क्वेश्चन एग्जांपल में लूंगा तो मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए मॉड में निकालना, मॉड का तो क्या कहते हैं, मॉड जब हम लोग को निकालना रहेगा ए बी, तो जानते हैं कि किस तरीके से निकाला जाएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपके मन में चल रहा सर, यहाँ जो थीटा जो हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है सर, क्या कहते हैं, अधिक कोण भी हो सकता है, यानी कि तीन तरह के कोण आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों हर एंगल में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। जीरो डिग्री आ सकता है, 90 आ सकता है, मतलब कुछ भी एंगल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कहते हैं, पोजीशन फैक्टर ऑफ जैसे बी लीजिएगा, तो अब ये बताइए इसको कैसे निकालिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां देखिए वेक्टर लगा हुआ, इसलिए एक्स वाले टर्म में बच्चों हम लोग आई कैप का यूज करेंगे, वाई वाले टर्म में जे कैप का यूज करेंगे और जेड वाले टर्म में के कैप का यूज करेंगे, ठीक है। बच्चों ये मत सोचिएगा कि सर जो है कि बिल्कुल ठेठी भाषा में पढ़ाते हैं, बच्चों अगर चाहें तो हम लोग जो है कि बिल्कुल किताबी भाषा से बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करके भी आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं बच्चों, मेरा मकसद यह है कि आपको एक एक पॉइंट को समझाना और एक एक को एग्जाम को एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना बनाने के लिए सिखाना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये चीज आपको सिखा दिए, एक्स है तो आई लीजिएगा कैप, वाई है तो जे कैप और जेड है तो के कैप लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए बी पोजीशन फैक्टर ऑफ यहाँ से क्या करना है, बी यानी कि एक्स टू में से एक्स वन को घटा लेना है, उसी तरीके से वाई टू में से वाई वन को घटा लेना है, जेड टू में से जेड वन को घटा लेना है, कोई दिक्कत, पोजीशन फैक्टर ऑफ बी माइनस ए, उसी तरीके से सी में क्या करना है, डी में से सी को घटाना, यानी एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, वाई फोर माइनस वाई थ्री, जेड फोर माइनस जेड थ्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल से अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहां से चार पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 7 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 3 6 एंड डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 9 2 रिस्पेक्टिवली। तब बोला गया देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, यहाँ से क्या निकालना है बच्चों हमको एंगल निकालना है ए बी और सी डी लाइन का, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम एक लाइन बना लेते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 2, यहाँ से ये 3 दिया हुआ, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 और 7, ठीक है। अब देखिए एंगल बच्चों किस कंडीशन में कहाँ बनेगा, यानी कि ए बी लाइन को कहीं ना कहीं सी डी लाइन कट कर रहा हो, आपकी इच्छा जहां से वहां पे बनाइएगा, ठीक है। तो माने हम लोग यहाँ से इसे बना देते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -4 3 और 6 और डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 9 2, यही चीज दिया हुआ है। अब बोला गया है कि बच्चों ए बी और सी डी एंगल के बीच, ए बी और सी डी में कहाँ एंगल निकालने के लिए, अब बच्चों चाहे तो ये भी एंगल निकाल सकते हो, इधर भी कहीं कोई भी एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे ए बी और सी डी के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला सीधा से एक लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, अगर लाइन दिया हुआ वेक्टर ऑफ ए बी, क्या कहते हैं ए बी डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ सी डी अपॉन यहां से लिखेगा मोड ऑफ वेक्टर ए बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ वेक्टर सी डी, ये जानते हो यहां से। बस अब देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद है आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिए क्या सोचना है कि सर ये ए बी यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया, ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना, ए बी वेक्टर किस तरीके से निकालना है, मैंने बताया था कि ए बी अगर निकालना हो तो ए बी बी यानी लास्ट वाले पॉइंट को पहले लिखते हैं, क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
माइनस यहां से क्या जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी में से क्या कीजिएगा, ए को घटाइएगा। अभी मैंने बताया था कि पहले वाले को पहले से घटाना है, और ये देखिए पहला वाला क्या होता है, एक्स टर्म होता है, दूसरा वाई टर्म, ये तीसरा होता है जेड टर्म होता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखिएगा क्या, देखिए यहां तो डायरेक्टली इसको लिखिए, फोर पहले बी वाले को लिख दीजिए, क्या लिखिएगा यहां से, फोर आई कैप प्लस फाइव जे प्लस सेवन के कैप। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स वाले में आई कैप, वाई वाले में जे कैप, और जेड वाले में के कैप लगाते हैं, ठीक है। अब ये चीज को मैंने यहां लिख दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ ए, ए वाले में आई दिया हुआ तो वन को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन आई क्या हो जाएगा, प्लस में टू जे, प्लस में क्या हो जाएगा थ्री के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा यहां से, फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सेवन के कैप माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन आई प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा टू जे, माइनस क्या हो जाएगा थ्री के, ठीक है। अब देखिए फोर में से वो जाएगा क्या बचेगा, थ्री आई कैप, फाइव में से टू जाएगा क्या बचेगा प्लस थ्री जे कैप, सेवन में से थ्री जाएगा क्या बचेगा प्लस फोर के कैप। यहां से देखो बच्चों ये जो निकल गया मेरा ए बी का वैल्यू निकल गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ निकालने में, सर ये तो निकल गया। अब सर ये मॉड ए बी क्या है, ठीक है, तो मॉड ए बी के लिए चाहे तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं, मॉड ए बी ज्यादा आपको परेशानी नहीं करना है। मॉड ए बी कैसे निकालिएगा, अब अंडर रूट करना है, ठीक है, आई का जो कोफिशियंट आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे का जो कोफिशियंट आया हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो के का कोफिशियंट आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, यहां से आ गया अंडर रूट 34। यानी कि देखिए मॉड में ए बी का वैल्यू भी आप लोग आसानी से निकाल लीजिए, कोई फास्ट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे उतरते हैं, सर ए बी का काम खत्म हो गया, अब निकालना है सी डी, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके सिमिलरली काम कीजिए। सी डी फॉर्मूला याद कीजिए, क्या बताया था मैंने, यहाँ बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ जो लास्ट में पॉइंट दिया हुआ डी दिया हुआ, फिर क्या लिखोगे डी वेक्टर लिखोगे, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर लिखोगे, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट को यहाँ से लिखो, डी पॉइंट में क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे तुम लोग खुद बताओ, तुम क्या लिखोगे, टू आई प्लस 9j प्लस क्या लिखोगे 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c, c में पहले से लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, माइनस 4i कैप प्लस यहां से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3j कैप प्लस क्या हो जाएगा 6k कैप, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या आप कैसे बना जाएगा, 2i प्लस 9j प्लस 2k, ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4i प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3j माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 6k, यही होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए आई वाला को आई वाला से 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6i, 9 में से 3 जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 6j कैप हो जाएगा प्लस में 2 माइनस यानी क्या हो जाएगा माइनस 4k कैप। यानी कि देखो बच्चों यहाँ से cd का भी वैल्यू आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल लिए हो। अब कहोगे सर मॉड cd, चूंकि हमको मॉड cd का जरूरत होता है, तो cd कैसे निकालोगे, बिल्कुल उसी तरीके से अंडर रूट क्या करना है, सबके कोफिशियंट का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा एक्स का कोफिशियंट क्या जब आई का 6 का स्क्वायर प्लस जे का क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से निकालोगे तो 36 प्लस 36 माइनस 16, 4 4 जा 16 ये प्लस में ही होगा। आप लोग ध्यान दो चूंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 बहत्तर, बहत्तर 16 छः दो आठ कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 3 छः छः 12 छः 18 का 8 हाथ में बचा एक एक यहाँ 3 एक 4 चाहते 7 एक 8 यानी 88 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब देखिए बच्चों जब अंडर रूट 88 आ गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ बच्चों फॉर्मूला पुटिंग करना है, ठीक है। कॉस यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी, देखो ए बी का वैल्यू हमको पता है, क्या लिखा हुआ ए बी का वैल्यू लिखा हुआ है 3i के प्लस 3j के प्लस 4k के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ है cd, तो cd का वैल्यू देखो यहां से मैंने निकाला था, क्या निकाला है 6i के प्लस 6j के प्लस 4k के, ठीक है। अपॉन में क्या दिया हुआ है मॉड ऑफ ab, ab का वैल्यू अंडर मैंने निकाला 34, और देखो इसका वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया है मॉड ऑफ cd का वैल्यू निकाला है 88, सबका वैल्यू पुट अप कर दिए।
अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करना, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले के साथ गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 3 6 बच्चों क्या हो जाएगा 18 प्लस 4 8 32 अपॉन, अब देखो यहां से कितना आ जाएगा 34 इंटू अंडर रूट 88। ठीक है, तो इसको ऊपर में एड करेंगे, एड करने के बाद क्या होगा 8 2 10 8 18 का 8 रिमाइंडर 1 बचा 3 1 4 4 1 5 5 1 6 यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट यानी 68 बटे अंडर रूट 34 इंटू अंडर रूट 88। यहां से देखो ये आ गया बच्चों cos थीटा इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से 34 को क्या लिख सकते हो, 270 लिख सकते हो, और देखो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 8, कोई लिखने से हमको नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे cos इनवर्स 68 बटे 34 इंटू अंडर रूट बटे ये हो जाएगा आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये इतना थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसमें इस तरह के आप लोगों को नहीं सोचना है। ठीक है, तो सोचना क्या है आप लोगों को, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ, जिस तरीके से अगर ये बच्चों यहाँ से कोऑर्डिनेट अगर ये लोगे तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना, सीधा वैल्यू -4 3 और यहाँ से आप -6 लेके बना के ये SW है। ठीक है, सिर्फ क्या करोगे आपका SW पहला क्वेश्चन ये है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट 4 5 7 रहेगा, और सी का कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा -4 3 और -6 लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तब निकालिएगा डी का वैल्यू 2 9 2 ही रहेगा, तब रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तब आप निकालिएगा -6 लेके जो एग्जाम में पूछा गया है उसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। कितना आ जाएगा 0 डिग्री, जो कि आपका इसका SW का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन SW दे रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों का SW आज मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिखा है, और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि उसका सी का डिजिट चेंज करके बनाने के लिए उसको बना लीजिएगा, उसका आंसर 0 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ इफ ए इक्वल टू 345, बी इक्वल टू 463 और सी इक्वल टू दिया हुआ -124 एंड डी इक्वल टू 105। चार पॉइंट बच्चों दिया हुआ है और इसका भी बोला है कि ए बी और सी डी का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। बिल्कुल उसकी बिल्कुल उसी तरीके से बनाइएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स 4/9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा आपको cos इनवर्स इसका इनवर्स आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स 19/21। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में बच्चों जो ये जो दिया हुआ इफ ए इक्वल टू, इसमें भी बच्चों कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, इसमें भी आप लोगों को क्या करना है एंगल निकालना ए बी और सी डी लाइन के बीच का। ठीक है, तो इसका आंसर निकालिएगा तो क्या निकलेगा π/2 यानी कि थीटा इक्वल टू बच्चों यहां π/2 इक्वल टू यस को 90 डिग्री भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तीनों चारों क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा और आंसर मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसका मैं सॉल्यूशन बच्चों फिर से नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन को करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपके लिए हर वीडियो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के ओरिएंटेड, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें, वीडियो को पढ़ें, वीडियो को समझें। ठीक है, और अदर विषय जो है कि मैकेनिक्स और इंग्लिश की बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को शेड्यूल वाइज बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों का तीनों विषय का वीडियो जो है कि आप लोगों को किस किस टाइम प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग इसी जो शिशु उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।